अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ मैं लंबे बाल करने की एक टिप शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को भी बताऊँगी। इसके लिए मुझे एलोवेरा चाहिए होगी, एलोवेरा चाहिए और कलवंजी चाहिए। इसमें मैं यूज़ करूँगी सरसों का तेल, जो कि बालों के लिए, बालों की शाइन के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसमें यूज़ करूँगी मैं कलौंजी, ये भी बहुत अच्छी है। और दही जो है ये बालों को शाइन भी देता है और सॉफ्ट भी करता है, तो सारी बातें ये भी इस्तेमाल करूँगी। और एलोवेरा ये तो बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के साथ साथ ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। पर एलोवेरा नेचुरल लें, क्योंकि नेचुरल बेस्ट रिजल्ट्स देती है, तो इसलिए मैं नेचुरल का ही बताऊँगी कि आप लोग इसमें नेचुरल एलोवेरा यूज। अब इसमें मैं एलोवेरा को काट लूँगी, क्योंकि मुझे इसमें से इसका सिर्फ गोदा चाहिए। जो मैं इसकी जेल है एलोवेरा की, वही यूज़ करने वाली हूँ। इसकी मैं ताज़ा जो है वो जेल निकालूंगी, क्योंकि मैंने अभी अपनी सिस्टर के प्लांट्स में से इसको निकाला था। तो ये स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो बालों के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बालों को ये शाइन भी देता है और बालों की ग्रोथ के लिए भी एलोवेरा जो है वो बहुत अच्छी है। इस तरह से आप इसको कट करेंगे और इसकी एलोवेरा की जो जेल है वो आप निकाल लेंगे। एलोवेरा जेल जो है आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल जो एलोवेरा की जेल है वो बहुत अच्छी है, उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। लेकिन जो लोकल में मिलती है, मार्केट से मिलती है, उसमें केमिकल्स यूज़ हुए होते हैं, तो वो हमारी स्किन के लिए भी अच्छी नहीं होती और बालों के लिए भी अच्छी नहीं होती। इसलिए मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग जो है नेचुरल एलोवेरा जो है अपने घर में किसी भी जगह पे लगा दें, तो ये जो है ये बन जाएगी। अच्छा जी, अब मैंने जो है एलोवेरा जेल वो निकाल ली है, इसके साथ मैं सरसों का तेल रख रही हूँ, कलौंजी रख रही हूँ, दही रख रही हूँ। मैं इसको किसी बर्तन में मिक्स करूँगी, क्योंकि मुझे इनको अब थोड़ा सा पकाना है, ताकि जो मेरा पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पकाऊँगी मैं इसको, ज़्यादा नहीं पकाऊँगी। इसमें मैं सरसों के तेल में कलौंजी ऐड कर रही हूँ और इसको मैं किसी बर्तन में डाल दूँगी, ताकि मैं इसको थोड़ा सा पका लूँ। तो दही जो है अभी मैं नहीं डालूंगी, क्योंकि मैं दही को नहीं पकाऊंगी इसमें। मुझे सिर्फ एलोवेरा और ऑयल और कलौंजी को थोड़ा सा पकाना है, ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, क्योंकि कलौंजी जो है वो मुझे मिक्स करनी पड़ेगी। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी, और पकाने के बाद मैं दही, कलौंजी तेल और एलोवेरा को ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बाद में मुझे इसके अंदर जो है तेल दही डालना है। इसके अंदर मैं अपनी एलोवेरा की जेल जो है डाल दी है। मैंने अब इसको लो फ्लेम पे, बहुत ही हल्की आंच पे मैंने इसको रखा है, मैंने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। और जो एलोवेरा जेल मैंने निकाली थी, उसके साथ मैंने एलोवेरा जेल को जो था अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, मतलब आप जैसे मर्जी बीट कर सकते हैं। और फिर मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था, इसमें बबल्स आने लग जाएंगे, तो ये थोड़ा कम्प्लीट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।